स्वागत है भाई, स्वागत है। हर हर मोदी, हर हर मोदी। धन्यवाद। आज हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व के सबसे ताकतवर नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए, इनका सभा बनवाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय छुट्टीलाल जी गरासिया साहब। आप पधारें और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का वागड़ के इस पावन धरा पर आप सब की ओर के स्वागत और अभिनंदन करें आदरणीय छुट्टीलाल जी गरासिया साहब। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय कनकमल जी कटारा साहब को कि वे पधारे और माननीय प्रधानमंत्री जी का उपरना उड़ा करके स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय कनकमल जी कटारा साहब, मैं आमंत्रित करता हूं हमारे इस वागड़ अंचल की संस्कृति को द्योतक तीर कमान से प्रतीक चिन्ह से भेंट करके स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आदरणीय कनकमल जी कटारा, प्रभु जी पंड्या, लाभचंद जी पटेल, गोपाल जी कुमावत और दामोदर जी अग्रवाल साहब पधारे और माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन और शब्द सुमन से स्वागत और अभिनंदन करने के लिए हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय कनकमल जी कटारा साहब, आप पधारें और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। परम सम्माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोग, आप सबको इस मंच पर विराजमान आपके सभी नेता वे विराजमान हैं, इन सबको अभिवादन सभी कर रहे हैं। ऐसे समय में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश प्रगति की राह पर चल रहा है। मैं वागड़ की संत मावजी महाराज बेणेश्वर धाम, कर्म भूमि बासिया धाम, पावन धरा मानगढ़ धाम, तपोभूमि क्षेत्रपाल मंदिर, दादा की पावन भूमि संत गुरु गोविंद की महाराज कर्मस्थली, माँ त्रिपुरा सुंदरी की पावन धरा, कालीबाई की त्याग की भूमि, नानाबाई खांड के बलिदान, रघुनाथ दादा सरकार एवं गायत्री शक्ति पीठ के पावन वागड़ के कांठल के इस भूमि पर आपका हृदय से क्षेत्र की, मेरे क्षेत्र के और सभी जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मोदी साहब, कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से यह राजस्थान में जितना दुष्कर्म हो रहा है, जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, आप और हम सब जानते हैं। आपको निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक सेक्रेटरेट में जिस तरह से बात आ रही है कि यहां पर 2,31,00,000 का केश, 1 किलो सोना इस प्रकार से सेक्रेटरी राजस्थान के अंदर मिला, और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर जो पेपर लीक का मामला जो हुआ है, 70-80 लाख जितने भी हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं, इन सब का ये जो आत्मीयता जिस प्रकार से थी कि हम पास
राजस्थान सरकार नहीं कर रही है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, आपने यहाँ पर आवास इतना दिया है, मेरे डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर 5 लाख लगभग आवास दिए हैं, बिजली कनेक्शन दिया है, और यहाँ पे गरीब भाइयों का, इनके खाते में किसानों का दो खुला रखे हैं, उसके अंदर सभी इस क्षेत्र के लोग आपको लंबे समय से याद करते थे, और आज यह हमारा सुअवसर प्रदान हुआ है, जिसके आपके आने से यहाँ के लोग बहुत किसान हैं, किसान है वो भी खुश हैं, महिला खुश हैं, युवा खुश हैं, और आने वाले भविष्य को देखते हुए यहाँ पर आपके नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ देश के अंदर डूंगरपुर की स्वीकृति की, इसके बाद में 300 जाल बिछाया है, और उसके अंदर आपने सड़क और उसके अंदर जो काम किए हैं वो आज यहाँ की जनता अभी देख रही है, और आने वाले समय में आपसे अपेक्षा है कि इस देश के अंदर जिस तरह से वागड़ में आदिवासी अंचल में जिस तरह से आपकी आत्मीयता है, और यहाँ पर जो पैसा स्वीकृत किया है अभी जिस प्रकार से, हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सभी आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। बोले स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका हम लंबे अरसे से जिनका इंतजार कर रहे थे, हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे ताकतवर नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आह्वान करता हूं कि पधारे और हम सभा को संबोधित करें। बोले स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, पहले यहां सुनने की तकलीफ हो रही थी, अभी ठीक है, सुनाई दे रहा है, उधर पीछे भी सुनाई दे रहा है। भारत माता की, भारत माता की, गोविंद गुरु महाराज की, गोविंद गुरु महाराज की, बेणेश्वर धाम की, मावजी महाराज की, श्रीनाथ जी की, मां त्रिपुरा सुंदरी की, क्षेत्रपाल दादा की, रघुनाथ दादा सरकार की, राम राम। केम छो बदा? आपने तो साग पड़ोसी ने, एटले आपके बीच आना तो ऐसा लग रहा है जैसे घर आया हूं। ये वो मिट्टी है जिसने ऐसे वीर पैदा किए हैं, जिन वीरों ने महाराणा प्रताप की कीर्ति बढ़ाने में अपना खून पसीने का योगदान दिया था। मैं कालीबाई के बलिदान को, मानगढ़ धाम में बलिदान देने वाले गोविंद गुरु के अनुयायियों को भी आज श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। मेरे परिवारजनों,
मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाके में कई बार आया, शायद मेरे पास हिसाब भी नहीं होगा इतनी बार आया हूं। आप लोगों के साथ मेरा नाता भी उतना तगड़ा रहा है, लेकिन आज जो मैं यहां ये जनसागर देख रहा हूं और वहां पीछे तक लोग खड़े हैं, मैं सबसे पहले तो आदिवासी क्षेत्र हो, दूर दूर गांवों से आना हो, मैं आप सबको सचमुच में प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप में से कई लोग सुबह 5-5, 6-6 बजे चले होंगे। ये प्यार, ये आशीर्वाद शायद ही किसी को ऐसा सौभाग्य मिलता होगा जो आशीर्वाद आप मुझे दे रहे हैं। साथियों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी बागड़ की इस पावन धरा पर मुझे अनेक बार आने का अवसर तो मिला है, कई बार ये पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि हम राजस्थान में है कि गुजरात में है। और यहां तो सैकड़ों सालों से मावजी महाराज का चौपड़ा खुलता रहा है, जिस धरती को सटीक भविष्यवाणी के लिए मावजी महाराज का आशीर्वाद मिला है, वहां ये साफ साफ दिख रहा है कि भाजपा आ रही है। और ये भूमि मावजी महाराज की तपस्या की भूमि है, यहां से निकली मेरी हर भविष्यवाणी 100% सही निकलती है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। तो मैं मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए आज एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं। करो, मेरी ये भविष्यवाणी है, ये मेरी नहीं है, इस पवित्र धरती की ताकत है कि मैं मेरे मन में ये विचार आया है और इसलिए बोलने की हिम्मत कर रहा हूं और मावजी महाराज की क्षमा मांग करके बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। कभी भी नहीं, ये मावजी महाराज की धरती पर से बोले गए शब्द है और ये मावजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है। कांग्रेस के लोग जहां भी वोट मांगने जा रहे हैं वहां उनको एक ही जवाब मिल रहा है, एक ही जवाब मिल रहा है, लोकतंत्र
लोग कहते हैं बच्चे बच्चे बोलते हैं, बूढ़े बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं, वृद्ध माताएं बोल रही हैं, महिलाएं कह रही हैं, गहलोत जी गहलोत जी कौनी मिले वोट जी, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी। और अब तो ये बात राजस्थान में सोशल मीडिया में बच्चों में जैसे स्पर्धा चल पड़ी है, हर घर से बच्चे वीडियो पर ये वाक्य रख करके सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। बच्चे भी बोल रहे हैं गहलोत जी कौन ही मिले वोट जी। मेरे परिवारजनों, वागड़ क्षेत्र तो कांग्रेस के कुशासन का बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा है। कांग्रेस के कुशासन से कैसे युवाओं के सपने चकनाचूर हुए हैं ये डूंगरपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में हर सरकारी भर्ती में घोटाला किया है, किया है कि नहीं किया है? घोटाला ही घोटाला किया है ना। कांग्रेस के नेताओं और उनके करीबियों के बीच ऐसा कारोबार कि उनके बच्चे तो अफसर बन गए और आपके बच्चे चुन चुन करके बाहर कर दिए गए। ये आपके साथ जुल्म है कि नहीं है? आपके बच्चों के साथ अन्याय कि नहीं है कि नहीं है? आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? ऐसे लोगों को राजस्थान की धरती पर से चुन चुन करके साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिन्होंने चुन चुन कर आपके बच्चों के भविष्य को तबाह किया है उनको भी चुन चुन करके साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करोगे? जरा पीछे से हाथ ऊपर करके जवाब दीजिए, करोगे? शाबाश। कांग्रेस के पाले हुए पेपर लीक माफिया ने राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। आज जो कांग्रेस नेताओं के यहां छापे में निकल रहा है, आज जो लॉकरों से सोने की ईंटें निकल रही हैं, काले कारनामों की लाल डायरी, ये लाल डायरी के जो पन्ने खुल रहे हैं ना, वो कांग्रेस सरकार की लाल डायरी में काली सच्चाई है। मेरे परिवारजनों, लोकतंत्र ने आपको कुशासन वाली इस कांग्रेस सरकार को बदलने का मौका दिया है। ये मौका हाथ से जाने नहीं देंगे ना। कभी कभार एक छोटी गलती 5 साल भुगतने के लिए मजबूर कर देती है। आपका एक वोट भी कमल के फूल के अलावा किसी दूसरे तीसरे दल को मिला तो वो सीधा कांग्रेस को ही जाएगा। ये जो दूसरे लोग खड़े हैं ना, वो उनकी योजना से खड़े हैं।
तो ऐसी गलती नहीं करोगे ना, ये जरा घर घर जाके समझाना। ये पिछली बार भी पाप कर गए, आपको आंखों में धूल झोंक गए, और इस बार नया नाम लेकर के कर रहे हैं, और इसलिए आपको याद रखना है कांग्रेस का सुपड़ा साफ करो, राजस्थान को दंगों अपराधों बहनों बेटियों पर अत्याचार और भ्रष्टाचार से मुक्त करो। राजस्थान से कांग्रेस की विदाई इसलिए भी जरूरी है ताकि यहां केंद्र सरकार की हर योजना तेजी से लागू हो। मोदी कितना ही चाहे, आपको कितना ही प्यार करे, सब कुछ करने के लिए पैसे भेजे, लेकिन जयपुर में अगर ऐसे लोग बैठ जाए कि पहुंचेगा ही नहीं, तो मोदी भी क्या करेगा। तो मोदी को भी तो काम करने का मौका मिलना चाहिए ना। आपके सपने मेरे संकल्प है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूं, और इसलिए सारी रुकावटें दूर करिए। 21वीं सदी के राजस्थान को विकास के लिए निवेश और नौकरी बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। आप लोग तो गुजरात के हर गली मोहल्ले को जानते हो, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो गुजरात में गया ना हो या उसके रिश्तेदार गुजरात में रहते ना हो। इतनी प्रगति वहां दिख रही है, राजस्थान में क्यों नहीं दिख रही है भाई? वहां की जनता ने कमल पर भरोसा किया, भाजपा पर भरोसा किया, तेज गति से आगे बढ़ते चले गए, और यहां उनके घर भरते गए, उनके बंगले बनते गए, आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस चाहे वादों की पूरी लाल डायरी उसी को लेकर के क्यों न घूमती फिरे, मोदी की गारंटी इनके हर झूठे वायदों पर भारी है। गरीब कल्याण, जन कल्याण को लेकर कांग्रेस से, जहां कांग्रेस से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। साथियों, कांग्रेस ने दशकों के अपने शासनकाल में जो सोचा तक नहीं, वो बीते 10 साल में आपके सेवक ने देशवासियों के चरणों में समर्पित कर दिया है। किसी ने भी नहीं कल्पना की थी कि कभी भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। क्या कभी सोचा था 80 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त राशन? ये कांग्रेस सरकार थी जिसके राज में अनाज सड़ जाता था, लेकिन इन्होंने गरीबों को अनाज देने से मना कर दिया था। गरीब की मां के कोख से पैदा हुआ है बेटा, वो आपकी चिंताएं समझता है, आपकी मुसीबतें समझता है, और इसलिए आपके इस सेवक ने संकल्प लिया है कि मुफ्त राशन की ये योजना आने वाले 5 साल तक चालू रहेगी। साथियों, कभी गरीब को मुफ्त इलाज मिलेगा,
दवाएं 80% सस्ती होगी, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। मोदी ने आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि केंद्रों से ये भी संभव कर दिखाया। कांग्रेस ने तो गरीब को, आदिवासी को झुग्गियों में रखा, खुले में शौच के लिए मजबूर किया। कांग्रेस ने गरीब को धुएं में जीने के लिए मजबूर रखा, पानी के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर किया। देश की करोड़ों बहनों ने कांग्रेस से कभी उम्मीद भी नहीं की थी उन्हें इन मुश्किलों से मुक्ति मिलेगी। और इसलिए मैं कहता हूं, जहां से कांग्रेस से उम्मीद बंद होती है, जहां से कांग्रेस से उम्मीद बंद होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। आज इन सारी मुश्किलों से देश की, राजस्थान की मेरी बहनों को मुक्ति मिलने लगी है। मेरे परिवारजनों, हमारे देश के करोड़ों आदिवासियों को कांग्रेस ने कभी नहीं पूछा। ये भाजपा है जिसने आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया। ये भाजपा है जिसने आदिवासी कल्याण का बजट भी कई गुना बढ़ा दिया। कांग्रेस के समय में 8 या 10 वन उपज उस पर ही एमएसपी मिला करती थी। भाजपा सरकार में अब करीब करीब 90 वन उपजों पर एमएसपी मिला करती है। आपका पशुधन सुरक्षित रहे, इसके लिए भाजपा सरकार 15,000 करोड़ रुपए से पशुओं का टीकाकरण का अभियान चला रहा है। जैसे हमने कोविड में लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिया था ना, आपको वैक्सीन मिला था ना, मुफ्त में टीका लगा था ना, अब मोदी पशुओं के लिए भी मुफ्त टीकाकरण कर रहा है, 1,000 करोड़ रुपए लगा रहा है। आपको याद है ना कि इसी गहलोत सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में वन क्षेत्र में मवेशी चराने पर, आपको याद होना चाहिए, भूलना मत, मवेशी चराने पर, घास काटने पर जुर्माने को 500 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया था, याद है? ये तो बाद में जब भाजपा सरकार आई तो उसने ये गहलोत के पापी निर्णयों को खत्म किया था और आपको बचा लिया था, भूलना मत। कांग्रेस गरीब आदिवासियों से पुराने जमाने के अंग्रेज जैसे दिमाग रखते थे ना, वैसे ही जो हम अंग्रेज जैसे हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम मानते थे ना, आजादी के बाद भी कांग्रेस आदिवासियों के साथ वैसा ही व्यवहार करती है। सहज, सच्चे और वफादार मेरे आदिवासी भाई बहनों के स्वाभिमान को कांग्रेस ने हमेशा चोट पहुंचाई है। हमें आदिवासी भाई बहनों के, उनके सम्मान, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता है। इसलिए डूंगरपुर में केंद्रीय सहायता से मेडिकल कॉलेज खोला गया है। बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय भाजपा सरकार ने प्रारंभ किया। प्रतापगढ़ में महाराणा प्रताप के नाम पर आर्म्स बटालियन के गठन के लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है। आदिवासी क्षेत्र के वर्तमान में चल रही रिक्तियों, उसको भी सरकार बनते ही जल्द से जल्द भरी जाएगी। मांडगढ़ धाम के विकास को पूरा करने के लिए भी भाजपा सरकार यहां पूरी शक्ति से काम करेगी।
जिस प्रकार पूरे देश में अपने तीर्थों का भाजपा सरकार कायाकल्प कर रही है, वैसे ही मानगढ़ और बेणेश्वर धाम का विकास होगा। डूंगर, बरंडा और बांसिया चरपोटा जैसे हमारे आदिवासी नायकों को भी उचित सम्मान भाजपा ही दे सकती है। साथियों, कांग्रेस कभी अपने एक परिवार के आगे किसी को नहीं देखती। जो कांग्रेस के परिवार की ओर आंख उठाकर भी देख लेता है, कांग्रेस उसे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ भी यही किया, कांग्रेस ने सरदार पटेल को भी इसी तरह अपमानित किया। भाजपा ने बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कराया है। आप सभी के सहयोग से आज गुजरात में केवड़िया में एकता नगर में विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, और मैं तो आप डूंगरपुर के लोगों को कहूंगा, कोई परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न देखा हो, सरदार पटेल का एक भव्य स्मारक नहीं देखा है। आप कार्यक्रम बनाइए, जाइए, आप देखेंगे कैसा बड़ा सम्मान सरदार पटेल को हमने दिया है। वे तो कोई भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन जो देश के लिए करते हैं ना, हम उनके लिए जीते हैं। हर रोज हजारों लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस का एक भी नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं गया। और यही कांग्रेस की सच्चाई है, और इसलिए ये कांग्रेस से बहुत सावधान रहना। कांग्रेस ना दलितों की है, ना पिछड़ों की, ना आदिवासियों की, ना गरीब की। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की गुलाम होकर रह गई है। कल मैं जयपुर में रोड शो कर रहा था, तो वहां बड़े बड़े होल्डिंग लगे थे कांग्रेस के चुनाव के। यहां के मुख्यमंत्री की तस्वीर थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर नहीं थी। उसमें कांग्रेस के एक एमपी की तस्वीर थी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष जो दलित है और 40-50 साल का संसदीय जीवन का अनुभव है, कांग्रेस में सबसे सीनियर कुनबे में से एक है, उनकी फोटो नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस में दलितों के साथ क्या होता है, ये आप जयपुर में जाकर के, मैंने तो कल देखा, मैं तो चौंक गया। अरे भाई, कम से कम इतने बड़े दलित नेता है खड़गे जी, उनकी एक फोटो लगा देते तो तुम्हारी नौकरी नहीं चली जाती। लेकिन सिर्फ एक परिवार की भक्ति, सिर्फ एक परिवार की भक्ति। कुछ दिन पहले ही आदिवासी समाज के लिए पीएम जनजाति आदिवासी न्याय, सामाजिक न्याय तो हमने बहुत सुना है, मोदी ने उससे भी आगे बढ़कर के आदिवासी न्याय महाअभियान, आदिवासी समाज को न्याय मिले। आदिवासी समाज में सबसे आखिरी हैं, उनको न्याय मिले, इसलिए पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान शुरू किया गया है। 24,000 करोड़ रुपए की योजना आदिवासी समाज का जीवन बदलने वाली है। मेरे परिवारजनों, जब तक इस देश का एक भी गरीब चिंता में है, तब तक मोदी निश्चिंत नहीं हो सकता है।
जब तक आप सभी तक ये गारंटियां पहुंच नहीं जाती तब तक मोदी चैन से बैठ नहीं सकता। और इसलिए जनजातीय गौरव दिवस पर, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को मोदी के गारंटी वाली सैकड़ों गाड़ियां निकल पड़ी हैं, सैकड़ों गाड़ियां चल पड़ी है पूरे देश में। ये मोदी की गारंटी की गाड़ी है। जिस जिस लाभार्थी को अभी तक सुविधाएं जो नहीं मिली है, आने वाले दिनों में ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव जाएगी, अफसर सब लोग लिखेंगे और जो बाकी रह गया है उनकी सूची बनेगी और मोदी ये गारंटी भी पूरी करेगा। जो युवा साथी यहां है, जो पेपर लीक के पीड़ित हैं, उनको बता देना है कि भाजपा आपके लिए लाखों नौकरियां लेकर आ रही है और यहां के गरीब, यहां के मध्यम वर्ग को भी मैं एक बात बता दे उनको याद दिलाना चाहता हूं, भाजपा आने वाली है, भाजपा आने वाली है और मोदी की गारंटी है आपको राहत मिलने वाली है। कांग्रेस ने राजस्थान को देश का बहुत महंगा प्रदेश बना दिया है। यहां डूंगरपुर और आसपास के क्षेत्र में तो दो पहिया वाहनों की, मोटरसाइकिलों की खूब बिक्री होती है, होती है ना, हर एक का सपना रहता है। वो शादी के पहले भी सोचता है ले आऊं। लेकिन आप तो मोटरसाइकिल तो लाते हैं, बढ़िया सेल्फी भी निकाल देते हैं, लेकिन आपको पता है ये राजस्थान सरकार ने आपसे रोज रोज कैसे लूटती है। देखिए, हरियाणा में भाजपा सरकार है, यूपी में भाजपा सरकार है, यहां आपके पड़ोस में गुजरात में भाजपा सरकार है, वहां जो एक लीटर पेट्रोल का खर्चा होता है, आपके राजस्थान में एक लीटर पर 12-13 रुपया ज्यादा मार लेने का काम गहलोत करते हैं। अगर एक दिन में 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर पेट्रोल डलवाते हो तो आपका 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया वो जेब से निकाल देते हैं। आपको मैं गारंटी देता हूं, राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही पेट्रोल डीजल के दामों की समीक्षा होगी और जनहित में फैसले भी होंगे। राजस्थान भाजपा ने हमारी बहनों बेटियों को गैस सिलेंडर की बहुत सस्ता करने की गारंटी दी है। मैं राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों से भी एक बात कहूंगा, यहां कांग्रेस ने आपके साथ जो विश्वासघात किया है उसका दुख मैं समझ सकता हूं। कांग्रेस की लूट की वजह से यहां सरकारी खजाना खाली हो चुका है, महीनों महीनों सरकारी कर्मचारियों के पैसे सरकार के पास अटके रहते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। यहां ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड के पैसे तक मिलना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस ने यहां व्यवस्था में जितनी बीमारियां लगाई है, भाजपा हर बीमारी का इलाज करेगी। मेरे परिवारजनों, भाजपा की केंद्र सरकार
इस क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी जोर दे रही है। आपने मुझे अवसर दिया इसलिए अहमदाबाद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर रेल परियोजना शुरू हुई। डूंगरपुर से नई ट्रेन चली। डूंगरपुर और बांसवाड़ा शहर में पाइप से सस्ती गैस देने का काम भी शुरू होने जा रहा है। इससे आप लोगों का जीवन आसान होगा और व्यापार कारोबार भी बढ़ेगा। मेरे परिवारजनों, राजस्थान को अपराधों में अग्रणी बनाया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने राजस्थान को किस किस जगह पे अग्रणी बना दिया है, आपका माथा शर्म से झुक जाएगा। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में अग्रणी बना दिया। कांग्रेस ने राजस्थान को पेपर लीक में अग्रणी बना दिया। कांग्रेस ने राजस्थान को तुष्टिकरण की सारी हदें पार करके अग्रणी बना दिया। ये है कांग्रेस का चेहरा, ये है कांग्रेस का चरित्र, ये है कांग्रेस के कारनामे। और हम भाजपा के लोग कीचड़ में भी कमल खिलाने वाले लोग हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम राजस्थान की एक ऐसी पहचान बनाएंगे, भाजपा विकास में राजस्थान को अग्रणी बनाएगा। भाजपा राजस्थान में महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। भाजपा राजस्थान को पर्यटन में टॉप पर लाएगी। भाजपा राजस्थान को स्टार्टअप का नया हब बनाएगी। भाजपा राजस्थान में रिकॉर्ड निवेश लाएगी। लेकिन इसके लिए 25 नवंबर को सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पर बटन दबाना है। करेंगे काम? पक्का करेंगे? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है और दिवाली में ये हमारी माताएं बहनें जो है ना, वो घर में स्पेशल सफाई अभियान करती है, हर कोने में सफाई करती है, हर कोने में। छोटा सा टीवी के पीछे भी कुछ रह न जाए उसकी भी सफाई करती है, कोई कोना नहीं छोड़ती है, सोती नहीं, मेहनत करती है। क्यों? दिवाली है, लोकतंत्र भी एक दिवाली है। अब हमें भी सफाई करनी है, हर कोने से कांग्रेस की सफाई होनी चाहिए, एक एक पोलिंग बूथ से कांग्रेस की सफाई होनी चाहिए। करेंगे? अच्छा, अभी मैं आपको एक संकल्प बोलूंगा और सामने आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? ऐसा नहीं, मेरे बोलने के बाद बोलना है। क्या बोलेंगे? एक स्वर से बोलिए, कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। लेकिन मेरे बोलने के बाद बोलना है, बोलोगे ना? लेकिन इसके पहले काम करिए, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपना मोबाइल फोन निकाल के उसका फ्लैश चालू कीजिए, लाइट चालू कीजिए। सब अपने मोबाइल फोन का लाइट चालू कीजिए, हर कोई, हर एक के मोबाइल फोन का लाइट चालू कीजिए। शाबाश। और मेरे साथ मैं जब कहूं, बराबर मोबाइल फोन को हिला करके बोलना होगा। आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान, बहनों बेटियों का होगा मान, बहनों बेटियों का होगा मान, गरीब की चिंता किसान का ध्यान, गरीब की चिंता किसान का ध्यान, तुष्टिकरण का काम तमाम, तुष्टिकरण का काम तमाम, आदिवासी की बढ़ेगी शान, आदिवासी की बढ़ेगी शान,
पेपर माफिया का मिटेगा नामो निशान, पेपर माफिया का मिटेगा नामो निशान, भ्रष्टाचार की बंद होगी दुकान, भ्रष्टाचार की बंद होगी दुकान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अच्छा ये तो काम हो गया, आप करेंगे? अब मेरा एक काम करेंगे? करेंगे? ये मेरा निजी काम है, नहीं करेंगे ना? आप बोलते तो है नहीं, ये माता है बहने तो बोल ही नहीं रही है, जरा हाथ ऊपर करके बताइए करेंगे? ये मेरा निजी काम है करेंगे? ये चुनाव वाला काम नहीं है करेंगे? पक्का करेंगे? देखिए घर घर जाना है और घर घर जाकर के ये कहना कि अपने मोदी जी आए थे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देखिए गलती से भी ये मत कहना कि पीएम मोदी आए थे। आपके लिए मैं पीएम पीएम कुछ नहीं हूं, मैं तो आपका भाई हूं। और इसलिए घर घर जाके कहना है कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। घर जाकर मेरा राम राम पहुंचाना है। पहुंचाओगे? घर घर जाकर के मेरा राम राम पहुंचाओगे? देखिए जब आप हर परिवार में मेरा राम राम पहुंचाओगे ना, तो हर परिवार मुझे आशीर्वाद देगा। और जब परिवार मुझे आशीर्वाद देता है, एक एक परिवार आशीर्वाद देता है, तो मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है, मेरी शक्ति बढ़ जाती है, मेरे संकल्प में एक नई ताकत भर जाती है। और इसके कारण आपकी सेवा के लिए मैं ज्यादा दौड़ता हूं, ज्यादा काम कर सकता हूं। और इसलिए मुझे आशीर्वाद लगातार चाहिए। मिलेगा ना? घर घर जाके बताएंगे? अगर आप मेरा राम राम पहुंचाओगे ना, तो आशीर्वाद मुझे पक्का मिलेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वागड़ की धरा की ओर से, आप और हम सब की ओर से माननीय नरेंद्र भाई का आभार व्यक्त करने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या को आग्रह करता हूं कि वे पधारे और आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी वागड़ की धरती धन्य